हे एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ते की रेसिपी फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही कम टाइम में बनाकर आप रेडी कर लेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और ये बहुत ही झटपट में बन के रेडी हो जाता है फ्रेंड्स ये नाश्ता, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है, बहुत ही सुंदर बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इस नाश्ते को हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक पैन ले ली हूँ, उसके बाद 2 चम्मच के करीब यहाँ पे मैं ऑयल यहाँ पे डाली हूँ, और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और इसको हम अच्छे से ये भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 चुटकी के करीब हल्दी डालेंगे और रेड चिल्ली यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जीरा पाउडर हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम भून लेंगे लो फ्लेम पे फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको लो फ्लेम करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं आधा कप यहाँ पे मटर ली थी उबाल करके, और उसके बाद यहाँ पे 2 मीडियम साइज के आलू मैं कट करके यहाँ पे डाली हूँ, और 2 हरी मिर्च यहाँ पे मैं डाल दी हूँ, और इसको अच्छे से आपको भून लेना है। आप देख सकते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे से ये भुना जाता है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे लो फ्लेम करके आपको भूनना है इसे, और ये 1 से 2 मिनट के अंदर ये भुना जाता है। ये तो पहले से ही उबला हुआ है आलू और मटर, तो ये बहुत जल्दी भून जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ पे ऐड किए हैं ताकि इसे बहुत ही अच्छा प्यारा सा खुशबू आने लग जाता है फ्रेंड्स। और अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो ये देखिए, अच्छे से इसको भी हम मिक्स कर लेने के बाद हम इसको अच्छे से इसको मैश करेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे मैं नींबू का रस यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास आमचूर पाउडर हो तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद खूब सारा हम यहाँ पे हरी धनिया यहाँ पे डालेंगे, और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ टमाटर। अगर आपके पास नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं, अगर पसंद भी ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से भुना चुका है। तो इसको हम आलू को अलग हटा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इसको हमको मैश करना है, आपको ऐसे नहीं करना है। तो इसको मटर को अलग हटा देंगे और आलू को अलग। तो आप चाहें तो मैशर आपके पास हो तो उसे मैश कर सकते हैं, या गिलास या कटोरी को भी, मतलब जो भी हो आप उसे ऐड मैश कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से मैश हो जाता है। तो ये देखिए, हम सभी को हम यहाँ पे मैश कर लिए हैं, और ये उबला हुआ आलू है तो बहुत ही आसानी से ही मैश हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये सभी अच्छे से मैश होने के बाद ये रेडी हो गया है, और इसको हम 1 से 2 मिनट तक और हम भून लेंगे। आप देख सकते हैं, और इसमें से बहुत ही प्यारा सा खुशबू आने लग गया है। तो ये देखिए, ये भुना गया है। उसके बाद हम यहाँ पे एक कटोरी में निकाल दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या करना है, यहाँ पे मैं मिक्सर जार ले ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे 1 कप यहाँ पे सूजी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास बारीक हो या मोटी वाली हो, जो भी हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जितना सूजी हम लिए हैं उतना ही आपको पानी ले लेना है। अब हम यहाँ पे डालेंगे नींबू का रस 1/2 चम्मच के करीब। उसके बाद यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यहाँ पे डाल करके आपको ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो गया है। और यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, उसमें हम जो मैं ग्राइंड की थी उसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से ये ग्राइंड हो गया। तो उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और साबुत जीरा हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे डाल रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बेकिंग सोडा आपको डालना है, तो आपको ज़्यादा नहीं डालना है, बस मतलब 1/2 चम्मच के करीब आपको डालना है। उससे भी आपको कम ही डालना है ताकि ये फूला फूला सा नाश्ता हमारा बन सके, बहुत ही अच्छे से ये बन जाता है। तो इसको हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे कटोरी ले लेंगे, 1 साइज़ की कटोरी होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 ठो, मतलब 4 मुझे नाश्ता बनाना है, तो यहाँ पे 4 कटोरी मैंने ले लिया है। और थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल यहाँ पे डाल करके अच्छे से ब्रश से इसको हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये अच्छे से निकल पाए। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से हमने चारों तरफ से इसको लगा दिया है। उसके बाद जो मैंने बैटर रेडी किया था ना, उसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा डालना है, उसके बाद जो फिलिंग में बनाई थी ना उसको आपको ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं आपको ऐसे ही मतलब चारों तरफ अच्छे से फैला करके आपको ऐड करना है। उसके बाद हम ऊपर से भी जो मतलब बैटर मैंने बनाया है वो ऊपर से मैं डाल दूँगी। तो ऐसे करके टिक्की जैसा बनाकर आपको बीच में रखना है ताकि ये बीच में रहे, इधर उधर नहीं जाए। तो ऐसे ही करके आपको
मतलब टिक्की जैसे बना करके आपको बीच में रख करके और फिर से ऊपर से हमको कवर कर देना है ताकि ये दिख ना पाए, अच्छे से ये कवर हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से ये कवर हो गया है ऊपर ऊपर से डालने के बाद। तो ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा करके इसको हमको कवर करना है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से कवर हो चुका है और ये फ्रेंड्स बहुत ही आसान है बनाना। आप देख सकते हैं, आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं पहले से ही पानी गर्म करने के लिए रख दी थी और यहाँ पर मैं एक स्टैंड ले रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक प्लेट ले करके आपको इसको इस तरीके से आपको रख देना है, जैसे मैं रख रही हूँ ना वैसे आपको रख देना है। तो यहाँ पे तीन ठो यहाँ पे मतलब ये इसमें हुआ है, बाकी एक ठो नहीं हो पाया है। तो और इसको हम अच्छे से इसको कवर कर देना है ताकि ये भाप जो है ना ये बाहर नहीं निकल सके। तो आपको अच्छे से कवर करने के बाद इसको ढक देना है और ये देखिए कितना सुंदर सा फूला फूला सा ये बन के रेडी हो गया। फिर सब देख सकते हैं ये कितना सुंदर सा बनकर रेडी हुआ है और एकदम फूल गया है और ये बहुत ही यमी सा बनता है फ्रेंड्स। तो इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे और इसी तरीके से तीन ठो यहाँ पे बना है, एक ठो मैं फिर से बना कर रेडी कर ली हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुआ है नाश्ता। तो आप ऐसे ही भी खा सकते हैं, नहीं तो इसे देखिए थोड़ा सा तावा पे मैं ऑयल डाल करके इसको हम अच्छे से सेक लिए हैं ताकि ये मतलब अच्छा लगे खाने में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स ये नाश्ता। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा बन के रेडी हुआ है, बहुत ही सुंदर सा और हेल्दी भी बहुत है फ्रेंड्स। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।